इतना ही भयंकर एंक्लोजिंग स्प्राइट इससे अच्छा हो जाएगा। हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमने ये गाय का घी जो सारे देश को खिलाते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब हल्दी की सब्जी कैसे बनेगी, इसमें छोंक लगाएं थोड़ा मेथी का, मेथी थोड़ी सी मेथी डालें। तो सबसे पहले मेथी इसके अंदर थोड़ी देर के अंदर ही जो है एकदम पक जाती है। और ऐसे ये तो हो गई मेथी, इसमें थोड़ी सी डाल दी अजवाइन, थोड़ी सी, ये सारे वातनाशक हैं, थोड़ी मेथी, थोड़ा अजवाइन और ये हींग, ये हींग भी पतंजलि का एकदम शुद्ध हींग है, ये आ गया हींग। और अब ये इतनी सी चीजें डाल करके और फिर ये जो जो हल्दी है इसको पहले, ये हल्दी है ऐसी, इसको कद्दूकस कस के ऐसे हमने रख लिया। आप इसको डालते हैं, नमक भी डाल देते हैं, और नमक ही नहीं थोड़ा इसके अंदर लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा लहसुन भी डाल दीजिए। लहसुन को ऐसे, ये लहसुन अपने आप में वातनाशक है। अब वैसे तो टमाटर नहीं डालने चाहिए लेकिन थोड़ा सा स्वाद के लिए आप हल्का सा डालना चाहें, जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें हरा धनिया ये थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसके अंदर जो है थोड़ा पुदीना डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा डाल दें तो ये, और इसमें थोड़ी अदरक, अदरक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके हमने रखे हुए, तो ये थोड़ा सा अदरक डाल दी। तो ये अब एकदम फर्स्ट क्लास तैयार होगी। अब ये तेल है, अब इस तेल में थोड़ा सा ये जो लहसुन होता है, लहसुन लाओ, ये लहसुन थोड़ा डाल दें पहले। ये पक रहा अभी इसके अंदर, तेल के अंदर क्या पक रहा है, लहसुन। अब इस तेल के गुण ये हो जाएंगे, हाँ इसके अंदर हमने फिर ये डाल दिया पीड़न तक क्वाथ, और इसमें तेल के साथ में थोड़ा पानी भी डाल दिया हमने, तेल और पानी, ये फिर ये पका दिया। इसमें पका करके जब इसका पानी जल जाएगा और तेल तेल बच जाएगा, बाद में करीब 2-2.5 घंटा ये प्रोसेस चलेगा, और इसके बाद में ये पीड़न तक तेल तैयार हो जाएगा।